नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारड़ी में छोटा हाथी टेम्पो में आम चोरी करने वाले युवक को ओरवाड़ से पुलिस ने दबोचा। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर को गिरफ्तार कर आम के 30,000 रुपए और टेम्पो को कब्जे में लिया। धर्मपुर में भारी बारिश के कारण शहर के मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर पालिका द्वारा मानसून पूर्व कराए गए कार्य सिर्फ कागजों पर ही नजर आए होने का आक्षेप। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारड़ी में छोटा हाथी टेम्पो में आम चोरी करने वाले युवक को ओरवाड़ से पुलिस ने धर दबोचा। पारड़ी चारस्ता हाईवे सर्विस रोड के पास एपीएमसी मार्केट के नजदीक छोटे पैमाने पर आम का विक्रय करने वाली पारड़ी की 4 से 5 महिलाएं फल की दुकान में कैरी के क्रेट भरकर मुख्य थी। 16 जून की मध्य रात्रि को अज्ञात चोर ने स्टॉल के पीछे के हिस्से में जाल काटकर लगभग 20 क्रेट में भरे कैरी, जिनकी कीमत लगभग 32,000 थी, वह चुरा लिया। पारड़ी एपीएमसी मार्केट के सीसीटीवी चेक करने पर छोटे हाथी टेम्पो में आए चोर कैरी चुराते हुए नजर आए। इस बारे में महिला व्यापारी ने पारड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत की और पुलिस ने कैरी चोर को गिरफ्तार किया। पारड़ी पुलिस स्टेशन के प्रभारी DYSP कुलदीप नाई और PIGR गढ़वी के मार्गदर्शन में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू की गई थी। तब इस टेम्पो में ओरवाड़ में रहने वाले व्यक्ति को जानकारी मिली थी। पुलिस ने टेम्पो चालक रवि चंद्रभान चौहान, उम्र 21, रहने वाले ओरवाड़ तालाब की पाल पारड़ी और मूल यूपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने कैरी चोरी करने और उसे बेच देने की बात कबूल की। पुलिस ने उसके पास से कैरी के 30,000 रुपए और छोटे हाथी टेम्पो जब्त कर गिरफ्तार किया और आगे की जाँच PSI DL वसावा कर रहे हैं। धर्मपुर में भारी बारिश के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धर्मपुर तालुका में भारी बारिश के कारण धर्मपुर शहर के मुख्य मार्गों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को बहुत परेशानी हुई। धर्मपुर में स्टेट हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। धर्मपुर नगर पालिका द्वारा किए जाने वाले प्री मानसून कार्यों को केवल कागजों पर ही किया गया था, ऐसे आरोप लगाए गए। मौसम विभाग द्वारा वलसाड़ जिले में बारिश की चेतावनी दी गई थी, जिसके चलते पिछले 3-4 दिनों से धर्मपुर तालुका में अचानक बारिश हो रही थी। इसी दौरान धर्मपुर में भारी बारिश होने से धर्मपुर की सड़कें पानी से भर गई थी। केवल 30 मिनट की बारिश के कारण धर्मपुर शहर का मुख्य मार्ग नदी में बदल गया। धर्मपुर मामलतदार कार्यालय, प्रांत कार्यालय, स्टेट हॉस्पिटल के बाहर मुख्य मार्ग पर पानी भर जाने से कार्यालय जाने वाले लोग, हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों सहित वाहन चालकों को बहुत परेशानी हुई थी। धर्मपुर नगर पालिका द्वारा लाखों रुपए की प्री मानसून कार्यवाही केवल कागजों पर ही की गई थी, ऐसे आरोप लोगों द्वारा लगाए गए। वलसाड़ हाईवे पर नकली नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी करने वाले मुकेदर की 4
विफल हो गई। पड़ोसी राज्य दमन और सिलवासा से गुजरात में शराब तस्करी के लिए बुटलेगर्स नए नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन वलसाड पुलिस ने सभी चालों को विफल कर दिया और शराब जब्त की। वलसाड ग्रामीण पुलिस क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर एक क्रेटा कार में शराब भरकर सूरत ले जाई जा रही थी। जानकारी के आधार पर ग्रामीण पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 48 पर कार की निगरानी की। बुटलेगर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नकली नंबर प्लेट लगाई और सूरत की ओर आ रहा था, लेकिन वलसाड पुलिस को कार पर शक होने पर उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन बुटलेगर कार लेकर भाग गया। पुलिस ने कार का पीछा किया। बुटलेगर ने कार को नवेरा गांव आमली फलिया के पास सड़क पर छोड़ दिया और फरार हो गया। पुलिस ने कार की जांच की और कार की डिक्की में भारतीय बनावट की विदेशी शराब मिली। पुलिस ने कार को वलसाड ग्रामीण पुलिस स्टेशन लाकर शराब तथा कार सहित अन्य मुद्दामाल जब्त किया। वलसाड ग्रामीण पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रोहिबिशन की शिकायत दर्ज की और आगे की जाँच शुरू की है। पारड़ी के कलसर पातलिया चेक पोस्ट पर पारड़ी पुलिस की टीम वाहन जांच में लगी हुई थी। उसी दौरान रिक्शा आते हुए पुलिस ने रोका और जांच में शराब की 156 बोतल, जिनकी कीमत 25,800 रुपए थे, वो मिले। पुलिस ने रोहित देशराज शर्मा निवासी दमन पांचाल मूल उत्तर प्रदेश और रजनीश चंद्रशेखर आरख निवासी दमन और मूल मध्य प्रदेश को पकड़ा। शराब की मात्रा, रिक्शा, मोबाइल सहित कुल 81,540 रुपए का माल जब्त किया गया और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई। आप जान वलसाड ब्रह्म समाज द्वारा 7 चिकित्सकों सहित 43 प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 400 गुरुदेव वलसाड चंद्र मौलेश्वर महादेव मंदिर धर्मपुर चौराहे पर शिहोर संप्रदाय औदिच्य सहस्त्र ब्रह्म समाज वलसाड विभाग द्वारा उत्कृष्ट गुणों से संपन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों का सम्मान विश्व प्रसिद्ध कथाकार शरद भाई व्यास, खैरगाम के भागवत कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल, पूर्व प्रिंसिपल बीएन जोशी, हिम्मत भाई जोशी और अनेक अग्रणी भागवत कथाकारों की उपस्थिति में किया गया। समाज के उपाध्यक्ष चंद्रेश भाई जानी ने बताया कि 43 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में 7 चिकित्सक, MBA, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। शिहोर संप्रदाय औदिच्य सहस्त्र ब्रह्म समाज वलसाड विभाग के अध्यक्ष और भागवत कथाकार देवू भाई जोशी, उपाध्यक्ष चंद्रेश भाई जानी, सचिव गिरीश जानी, सह सचिव विष्णु जानी, कोषाध्यक्ष अनिल भाई, सह कोषाध्यक्ष नीलेश भाई वालांगर और सहयोग समिति की टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कठिन परिश्रम किया। इस अवसर पर कथाकार प्रफुल्ल भाई शुक्ल ने कहा कि भूदेवों के बच्चों के लिए अधिक अध्ययन के लिए विद्या निधि फंड समाज को बनाना चाहिए। ब्राह्मण का बच्चा विश्व के हर कोने में पहुंचना चाहिए। जबकि धर्मपुर के शरद भाई व्यास ने कहा कि कई समस्याएं हैं, लेकिन शिक्षा हर समस्या का समाधान है। वलसाड के बिल्डर कालू भाई आहिर का ब्रह्म समाज द्वारा सम्मान किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम की आभार विधि विजय दवे ने की। शिहोर संप्रदाय औदिच्य सहस्त्र ब्रह्म समाज वलसाड विभाग की कार्यकारिणी समिति ने उपस्थित भूदेवों का आभार व्यक्त किया। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारड़ी में छोटा हाथी टेम्पो में आम चोरी करने वाले युवक को ओरवार से पुलिस ने दबोचा। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर को गिरफ्तार कर आम के 30,000 रुपए और टेम्पो को कब्जे में लिया। धर्मपुर में भारी बारिश के कारण शहर के मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगरपालिका द्वारा मानसून पूर्व कराए गए कार्य सिर्फ कागजों पर ही नजर आए होने का आक्षेप। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।